नगर के समस्त धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सभी सामाजिक बंधुओं को धार्मिक बंधुओं को इस रामनवमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दिनांक 9/4/2024 से आज दिनांक 17/4/2024 तक प्रतिपदा से रामनवमी तक प्रतिदिन दोपहर महिला भजन मंडल द्वारा भजन कार्यक्रम आयोजित रहे, रात्रिकालीन पुरुष मंडलों के कार्यक्रम आयोजित रहे और सुबह 5 बजे से सारणी नगर के समस्त मंदिरों में श्री राम मंदिर प्रांगण से प्रभात फेरी निकाली गई और समापन इसी राम मंदिर में हुआ। राम मंदिर समिति सारणी की ओर से सारणी नगर के समस्त श्रद्धालु भक्तों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम और सबको शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि श्री राम मंदिर में आप हमेशा तन मन धन से विशेष सहयोग इस मंदिर को देते रहे। आपका भगवान आपके प्रति भगवान और बाबा संत मठाधीश का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हम बाबा से और श्री रामचंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं नए वर्ष के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज श्री राम लला का जन्मदिन है, इस अवसर पर सभी नगरवासियों को, सनातन धर्म प्रेमियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के ऊपर राम लला का खूब आशीर्वाद बरसे, खूब कृपा बरसे, ऐसी कामनाएं सब राम मंदिर प्रबंधन समिति करती है और सबके लिए मंगल कामनाएं इस अवसर पर करती है। जय जय श्री राम। रामनवमी के शुभ अवसर पर समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं रिसीव करती हूं। रूप से 2009 में पहली प्रतिमा बनाई गई थी, दूसरी प्रतिमा 21 में बनाई गई, तीसरी 22 और 23 और 24 ये पांचवा वर्ष है हम लोगों का। इसी प्रकार से कुछ अच्छी प्रतिमा बना के नगरवासियों को शोभा यात्रा और प्रभात फेरी के लिए शुभकामनाएं देना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों को रामनवमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। रामनवमी पर राम मंदिर सारणी में सुबह से ही भजन कीर्तन और भंडारे के आयोजन संपन्न हुए। एक ओर जहां राम मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर में उत्सव के रूप में राम जन्मोत्सव मनाया गया, तो वही बाबा मठाड़देव मित्र मंडल एवं राम बोलो काली समिति के सन्नी चतुर्वेदी, विनोद बेले, सूरज राजपूत, राजा सोनी, हेमंत जैन, सजल गुर्जर, योगन मौर्य एवं सभी मित्रगण तथा पार्षद प्रवीण सोनी द्वारा
नगर में निकाली जाने वाली संध्याकालीन शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। सारणी से भारती भूमरकर के साथ रंजेश काकोड़िया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SC न्यूज इंडिया, अभी की खबर अभी। बदल रहा है खबरों को देखने का नजरिया। SC न्यूज इंडिया।